नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति आखिर किस ओर करवट लेगी, ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग के फैसले पर ही निर्भर करता है। लेकिन ऐसे में जनता जो है वो क्या सोचती है, अगर चुनाव आयोग का फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है और अगला मुख्यमंत्री चुनने की नौबत आती है तो कौन हो सकता है झारखंड का अगला मुख्यमंत्री, ये हम जानने की कोशिश करते हैं झारखंड की ही जनता से। सकता है उसकी पत्नी कल्पना देवी जो हैं वो बन सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से लालू जी पर जब संकट आया था और अपनी धर्मपत्नी को रावड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे, उसी तरह से मुझे लगता है और ज्योतिष की गणनाएं भी कहती हैं, क्योंकि हेमंत जी की कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है लेकिन एंटी अंतरदशा उनकी चल रही है, जिसके चलते संकटों का सामना करना पड़ेगा माननीय हेमंत सोरेन जी को। लेकिन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कुंडली का कुछ विचार अच्छा संकेत दे रहा है, हो सकता है कि कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सकती हैं। बिहार की तरह झारखंड में इस तरह की माने नियम या सिद्धांत लागू हो सकता है। वो तो अपनी पत्नी को ही बनाएंगे। बिहार की तरह झारखंड में भी देखने को मिलेगा जब लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। हाँ, वैसे ही वही हाल है यहाँ का भी। हाँ, उन्हीं का पढ़ाई पे भी पढ़े हैं। तो हेमंत सोरेन की वाइफ को होना चाहिए, वाइफ को होना चाहिए, कोई कांग्रेस का ही होगा। तो आपने तमाम लोगों को सुना, कई लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम लिया और उन्होंने ऐसा बताया कि बिहार की तर्ज पर जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया था, एक बार फिर से वही इतिहास झारखंड दोहराता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसी कोई विकल्प चुनने का समय आता है झारखंड में तो हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को आगे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और दूसरे लोगों की बात करें तो कई लोगों ने भाजपा को एक बेहतर विकल्प बताया झारखंड के लिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त झारखंड में बहुमत जो है वो महागठबंधन की पार्टी की तरफ है और अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो वह जेएमएम पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार।